हेलो एवरीबॉडी, स्टैंडर्ड 8। बेटा मैंने चैप्टर 2 की वर्कशीट दी थी जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट्स है, तो आज हम वही वर्कशीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सम इज वेरी सिंपल, 15y 10y-5। तो सिंपल एकदम, इसको एक साइड ले जाएंगे। सो 15y-10y इक्वल्स टू -5। 15 ये 10y इधर चला गया तो माइनस हो गया, इसको इधर ही रहने दिया -5 को उसकी की जगह RHS में। 15 - 10 इज 5y इक्वल्स टू -5, सो दिस इज -1। अब बेटा वेरीफाई भी करने को बोला है, यानी कि LHS इक्वल्स टू हमें RHS करना है। सो LHS में है 15y, यानी के 15 × -1 विच इज -15, और RHS में हमको दिया है 10y-5, यानी के 10 - 1 - 5। सो -10 - 5 इज अगेन -15। देखो हो गया वेरीफाई। सो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, यानी हमारी y की वैल्यू जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलो सेकेंड सम, 8 - a 5a - 3। अब -3 को इधर ले लेते हैं, तो 8 + 3 5a, ये LHS से इसको RHS में लेते हैं, प्लस a, दिस इज 11 = 6। है बेटा जिसने 5a को इधर लिया है, इसको इधर लिया है, तो भी आंसर सेम ही आएगा, माइनस माइनस कट ही जाएगा। सो a की वैल्यू आ गई 11/6, राइट। अब हम ऐसे करेंगे वेरीफाई, LHS में दिया है 8 - a, सो 8 - 11/6। LCM, ये 6 इधर मल्टीप्लाई डायरेक्ट, 6 × 8 = 48 - 11/6। बेटा ये कटता नहीं है, यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है, मल्टीप्लाई नहीं है। अगर ये ऐसा होगा 48 × 11/6 तो कटेगा, राइट, अभी नहीं कटेगा। ये इसको सॉल्व करना है, 8 - 1 = 7, 4 - 1 = 3, 37/6 आया LHS का आंसर। ओके, अब RHS का आंसर फाइंड करते हैं, इधर ही मैं लिख देती हूँ कॉर्नर में। RHS क्या है, 5, a की वैल्यू है 11/6, ब्रैकेट में लिखो। यहां पे भी बेटा ये LCM नहीं है, ये मल्टीप्लाई, देखो ये छोटी छोटी चीजें जो मिस्टेक कर रहे हो तुम, अंडरस्टैंड दिस, 2 आर ए मल्टीप्लाई। बेटा 5 × a मल्टीप्लाई में है, 8 और a इधर सब्ट्रैक्शन में थे, तो अगर बीच में प्लस माइनस होता है तो ही हम LCM लेते हैं, यहां नहीं लेना इन दोनों के बीच में, ये तो सिंपली मल्टीप्लाई होगा। 11 × 5 = 55 - 6/6 - 3। अब हम लेंगे LCM, 6 × 3 = 18, तो 55 - 18/6। अब 55 - 18 करेंगे तो क्या आएगा, करो सब्ट्रैक्शन, 5 और 8 यानी 15 में से 8 गए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंड 4 में से 3 गए तो 37/6। देखो आ गया, ये आया RHS का आंसर, ये आया LHS का आंसर, बोथ आर इक्वल, सो इट इज वेरीफाइड। नेक्स्ट मेरा फोर्थ वाला सम कर रहे हैं, 14p / 5 - 3 = 3p / 8 + 7/30। देखो डिनोमिनेटर्स में जब भी इतने सारे दिख जाए हमें क्या कर लेना है, LCM ले लेना है बेटा, किसका, 5, 8 और 30 का। इसका हम ले लेंगे LCM, 5 1 = 5, 5 6 = 2 1 = 4 3 = 2 1 = 2 2 = 2 1 = 3 1 =। ठीक है, LCM, ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे, इसका LCM क्या आ गया, 5 2 हुआ 10, 2 2 हुआ 4,
थ्री जा हुआ 12, 120 आया, इसका एलसीएम इज 120। सॉल्व करते हैं, पहले लिखते हैं अब बेटा 5 में व्हाट आई विल मल्टीप्लाई सो आई गेट 120। 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको 120 मिले, तो अगर नहीं पता चले तो इसमें जस्ट डिवाइड करो ऐसे, 5 टू जा 10 एंड 5 फोर जा 20, 24। तो इधर नीचे एंड ऊपर 24, 1 में तो 120 ही आएगा, इक्वल्स टू 3p। 8 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, आई गेस 15, 15 एट जा होता है ना 120, और 30 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 120 लाने के लिए, 4, 4 थ्री जा 12, राइट 120। नाउ इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 14 इंटू 24 होता है बड़ा 336 पी अपॉन 120, 12 थ्री जा हो गया 360 अपॉन 120, 15 थ्री जा हो गया 45 अपॉन 120, 7 फोर जा हो गया 28 अपॉन 120। ठीक है, अब बेटा बेटा इतने बड़े नंबर्स आए तो उसमें घबराना नहीं है, सिंपल अपने मेथड पे स्टिक रहना है, एलसीएम वाली मेथड स्टिक रहो। ठीक है, कुछ भी आए अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर। ठीक है, अब देखो सबके डिनोमिनेटर में क्या आ गया 120, तो नीचे सब डिनोमिनेटर निकल जाएगा, ऊपर के नंबर्स 336p माइनस 360 इक्वल्स टू 45p प्लस 28 हो गया। ओके, इसे सॉल्व करेंगे, 45p को इस साइड लेके जाते हैं, 336p माइनस 45p ये इधर, और माइनस 360 इधर गया तो प्लस 360 प्लस 28। अब 336 माइनस 45 करेंगे, so 6 minus 5 is 1, this is 33 minus 4, no, 29, देखो 13 में से 4 गए तो 9, and this 29, so 291p equals to 0 and 8 को add, 6 plus 2, 8, and 388, so value of p is 291। अब बेटा 388 अपॉन 291 इतना बड़ा अगर हम वेरीफाई में तो नहीं करेंगे, वेरीफाई में इतना बड़ा नहीं रख सकते, इसका मतलब ये रिड्यूस होगा, ये किसी ना किसी के टेबल में आएगा। ठीक है, अब ये ऐसे नंबर्स के देखो नीचे 291 है, कोई इवन नंबर में तो नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिसमें पीछे एक ऐसा ऑड नंबर जिसमें 8 भी हो और 1 भी हो, जैसे कि अगर I did all the calculation, जैसे 23, 27, 33, 37, 43, 47, ऐसे numbers क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 23 सिक्सा करो तो पीछे 8 आ जाता है ना 18। ठीक है, और 1 भी आ जाता है 3 सेवन सा, सेम 7 के टेबल में भी होता है, पीछे 8 आने के लिए 4 जा करो और 1 आने के लिए 3 जा करो, राइट। तो ऐसे सब नंबर्स आई ट्राइड और ये 97 से जा रहा है बड़ा, 97 फोर सा 97 थ्री सा होता है, और 4/3 आया। अब ये 4/3 यहाँ पे वेरीफाई चलेगा बड़ा, ये बहुत बड़ा सम था, इसका इतना बड़ा वेरिफिकेशन नहीं आएगा। ओके, तो ये यहां तक ही यू कैन लीव, इट्स ओके। ओके, नेक्स्ट सम